ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। कल यानी 23 मई को अगस्त महीने के लिए 3 तरह के टिकट्स रिलीज हो रहे हैं। वन बाय वन जानते हैं कौन से हैं वो टिकट्स और क्या है उनकी क्राइटेरिया। सबसे पहले 23 मई को सुबह 10 बजे अंग प्रदक्षिणा टिकट्स, जो कि फ्री टिकट्स हैं, वो रिलीज हो रहा है संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में, यानी ttdevasthanams.ap.gov.in। आप वेबसाइट में या मोबाइल ऐप में भी बुकिंग करा सकते हैं। ये टिकट्स 5 मिनट में भी खत्म हो सकते हैं क्योंकि ये फ्री टिकट्स हैं, लेकिन बहुत ही कठिन सेवा माना जाता है। जिस भी दिन आपने अंग प्रदक्षिणा का टिकट लिया है, उस दर्शन डेट के पहले ही दिन रात 12 बजे स्वामी पुष्करणी नदी, जो कि मंदिर के ही पास में है, आपको वहां पर रिपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद स्नान करके भीगे कपड़े में ही, लेडीज के लिए अलग लाइन होती है, जेंट्स के लिए अलग लाइन होती है, इन लाइन में थोड़ी देर खड़े होने के बाद कंपार्टमेंट्स में बैठाया जाता है और फिर प्रदक्षिणा करनी होती है। लगभग 200 मीटर मंदिर के पास में आपको प्रदक्षिणा करनी होती है। सबसे पहले लेडीज का प्रदक्षिणा होता है, उसके बाद जेंट्स का होता है। यहाँ पर याद रहे, सभी को ट्रेडिशनल ड्रेस में ही जाना है। जेंट्स को शर्ट भी अलाउड नहीं होता है, धोती लुंगी या कुर्ता अलाउड होता है। तो इस तरह से ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनना होता है। बच्चे अगर आपके साथ में है, यानी 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। अंग प्रदक्षिणा होने के बाद लेडीज को अलग से बैठाया जाता है, जेंट्स को अलग से बैठाया जाता है और लगभग सुप्रभातम टाइम में, यानी अर्ली मॉर्निंग, भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। तो यहाँ ध्यान दें, अगर वाइफ एंड हस्बैंड जा रहे हैं तो भी अलग अलग से ही प्रदक्षिणा करनी होती है। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए सेवा टिकट्स बुक कर सकते हैं। याद रहे, ये फ्री टिकट्स है और बहुत ही जल्दी ये दर्शन टिकट खत्म हो जाते हैं। 23 मई को ही सुबह 11 बजे श्री वाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स भी रिलीज हो रहे हैं। इस टिकट्स को VIP ब्रेक दर्शन के अंतर्गत माना जाता है और ये टिकट्स सुबह 11 बजे रिलीज हो रहे हैं अगस्त महीने के लिए। एक मोबाइल से आप मैक्सिमम 9 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। इसकी पूरी बुकिंग प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। एक पर्सन का 10,500 का टिकट होता है, जिसमें 10,000 डोनेशन होता है और 500 का दर्शन टिकट होता है। श्री वाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए अलग से ऑनलाइन अकोमोडेशन भी रिलीज होता है, जो लगभग 1,000 रुपीज का अकोमोडेशन होता है और ये अलग से आपको पे करना पड़ता है। लेकिन ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिकॉज श्री वाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए ऑफलाइन में भी तिरुपति एयरपोर्ट में और तिरुमला में गोकुलम गेस्ट हाउसेस में ऑफलाइन टिकट्स भी मिलते हैं, लेकिन अगले दिन का मिलता है और वहां पर अकोमोडेशन की फैसिलिटी अलग से नहीं दी जाती है। तो ऑनलाइन श्री वाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, जहां पर आप दर्शन टिकट के साथ साथ अकोमोडेशन भी बुक कर सकते हैं। 23 मई को ही एक और कैटेगरी को भी रिलीज किया जाता है दर्शन टिकट्स के, और ये कैटेगरी है सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन। ये तीनों कैटेगरी को एक ही जगह रखा जाता है क्योंकि ये सारे फ्री टिकट्स हैं और प्रिविलेज्ड दर्शन के कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन का जो दर्शन टिकट होता है उसके क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। इन सभी टिकट्स को 23 मई को ही दोपहर 3 बजे रिलीज किया जा रहा है। तो इस कैटेगरी में सीनियर सिटीजन का जो कैटेगरी है उसमें 65 एंड अबव ईयर्स वालों को ही यहाँ पर सीनियर सिटीजन का दर्शन टिकट मिलता है। चाहे तो अपने साथ सहायक को ले जा सकते हैं, आप अपने साथ स्पाउस यानी वाइफ है तो हस्बैंड और हस्बैंड है तो वाइफ को ले जा सकते हैं। ये टिकट भी बिल्कुल फ्री टिकट है, यानी आप एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट बिल्कुल फ्रीली बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ता है, तो पहले ही आप डेस्कटॉप पर आधार कार्ड को अपलोड करके रख ले। लगभग 1 MB साइज से भी थोड़ा कम होना चाहिए ये सारे सर्टिफिकेट्स और जो भी आधार कार्ड है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए सिर्फ आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ता है। दूसरी कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो है मेडिकल कंडीशन वाले भक्त। कुछ क्रिटिकल मेडिकल कंडीशंस, जैसे ब्रेन सर्जरी, लंग सर्जरी, कैंसर, इस तरह की कुछ क्रिटिकल कंडीशन वाले भक्त होते हैं, उनके लिए भी दर्शन टिकट बिल्कुल फ्री है। उन्हें अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि एक सर्जन या डॉक्टर्स द्वारा प्रमाणित एक मेडिकल सर्टिफिकेट, उसे अपलोड करना पड़ता है। ये भी 1 MB साइज से थोड़ा कम होना चाहिए। पहले ही इस सर्टिफिकेट को डेस्कटॉप पर अपलोड करके रखें। यहाँ पर आपको 65 इयर्स एंड अबव होने की आवश्यकता नहीं है, सहायक को आप ले जा सकते हैं। आधार कार्ड और जो भी सर्टिफिकेट्स आप अपलोड कर रहे हैं उन सभी को वहाँ तिरुमला जाकर भी प्रिंट आउट, जो दर्शन टिकट है उसके साथ साथ इन सभी सर्टिफिकेट को और आधार कार्ड को ओरिजिनल दिखाना पड़ता है। इसी कैटेगरी में फिजिकली चैलेंज्ड लोगों का भी आता है दर्शन टिकट, जो कि फ्री टिकट है, आप भी सहायक को ले जा सकते हैं।
इन सभी कैटेगरीज में सहायक आप ले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्पाउस या 12 साल से कम उम्र के अगर आपके साथ बच्चे हैं, जो कि आपके पोता पोती भी हो सकते हैं या कोई भी बच्चे आपके फैमिली के जो 12 साल से कम उम्र के हैं, उन्हें आप फ्रीली ले जा सकते हैं। फिजिकली चैलेंज भक्तों के लिए 20% एंड अबव डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट स्टेट या सेंट्रल द्वारा दिया जाता है उसे अपलोड किया जाना चाहिए। ये भी 1 MB साइज से कम होना चाहिए, तो ये सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करके रखना है। इन सभी कैटेगरी के भक्तों के लिए दर्शन टिकट फ्री है। सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए अलग से हॉल रहता है। वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग टाइम तक पहुँचना होता है, सारे सर्टिफिकेट्स और आधार कार्ड की चेकिंग होती है, उसके बाद लाइन में भेजा जाता है। बहुत सारे श्रीवारी सेवक होते हैं जो आपकी पूरी मदद करते हैं। अगर एज में बहुत बड़े हैं या किसी कारणवश आपके साथ सहायक नहीं है तो श्रीवारी वॉलंटरी सेवक आपकी सहायता अवश्य करते हैं। साथ ही वहाँ पर यानी सीनियर सिटीजन का जो हॉल रहता है वहाँ पर बहुत सारे एमिनिटीज भी होते हैं, जैसे कि वॉशरूम फैसिलिटीज होती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, चाय कॉफी की भी व्यवस्था होती है, चप्पल स्टैंड, लगेज सेंटर, सब कुछ वहाँ पर है। लाइन में जाने के बाद लगभग 1 घंटे में आपका दर्शन हो जाता है, बहुत अच्छे से दर्शन होता है। हालांकि बहुत नजदीक से नहीं होता है, जैसे 300 और 500 रुपीज के भक्तों का दर्शन होता है, उसी तरह से सीनियर सिटीजन का भी दर्शन होता है, लेकिन ज्यादा परेशानी नहीं होती। ये टिकट्स भी बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो सारे सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड नंबर, सब कुछ एक नोट पैड में पहले से टाइप कर ले और अपलोड करके रखें। और जैसे ही दर्शन टिकट्स ओपन होते हैं उस टाइम के 5 मिनट पहले ही वेबसाइट में, ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट को खोल कर रखें और जल्दी जल्दी दर्शन टिकट को बुक कर लें। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।